हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 100% प्योर रिएक्शन। आज मैं अपने दिल की बात आप सबसे कहने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि चलो कुछ बताकर मैं हल्की हो रही हूँ, तो मैं आज बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे न्यू जुड़े हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, तो चलो कुछ बातें करते हैं। जो न्यू लोग हैं उनको उनके लिए मैं हिस्ट्री रिपीट करती हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरा स्टार्टिंग हुआ ट्रस्ट मम्मा के चैनल से। ट्रस्ट मम्मा, वहाँ पर मैं मेरी डेली व्लॉग्स और रिएक्शन वीडियो शूट करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक सितारा यासिन करके है, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, वहाँ पर उसके सेकंड मैरिज की वजह से बहुत कुछ उसको सहना पड़ा, बहुत कुछ उसके साथ हुआ। तो उस टाइम पे सारे लोग उसके अगेंस्ट में थे, और इंडिया से हम तीन लोग थे, जो मेरी दो फ्रेंड थी, आयन शमी एंड मीनूज लाइफ और मैं। तो हम तीनों उसके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, और बहुत सारे लोग थे जो उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाते थे। अगेंस्ट में वीडियो बनाने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और सपोर्ट में वीडियो बनाने वाले हम तीन थे। जब सितारा यासिन की जो घर में जो भी होता था, तो सितारा यासिन ऑलरेडी दुखी थी और रोती थी, उसकी माँ उसको सऊदी से देखती थी, तो वो भी बहुत दुखी होती थी। जब हम सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, तो उसकी माँ ने खुद ने उसको मेरा वीडियो और आयन शमी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मेरी फेवरेट यूट्यूबर्स है और ये तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए कोई इंडिया से इतनी अच्छी बातें करता है। तो सितारा यासिन ने उसके रिप्लाई में मेरा चैनल शेयर करते हुए कहा कि मेरी अम्मी को ये यूट्यूबर बहुत पसंद है, और थैंक यू, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे और ताकत मिलती है और जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे लड़ने के लिए। तो हमें अच्छा लगा भाई, मैं बहुत खुश हो गई कि जिसको सारी दुनिया से इतने लोग देख रहे हैं, जिसका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसने मुझे नोटिस किया, मेरा नाम लिया, खुशी तो होनी ही थी। मैं इतनी खुश हुई, मैं बहुत रोई और रोते रोते उसको थैंक यू बोला, और वो थैंक यू वाला वीडियो सितारा ने फिर से शेयर करते हुए कहा कि आप रो रही थी, ऑब्वियसली ना, 1-2 लाख सब्सक्राइबर थे उसके तब, तो उसने वीडियो अगर मेरे बारे में बोली तो मुझे खुशी होगी ना भाई, कोई भी बड़ा यूट्यूबर इजीली छोटे यूट्यूबर्स के सपोर्ट नहीं करता। तो उसने फिर से मेरा मतलब जब उसने मेरा नाम लिया, उससे पहले ही मेरे वीडियो वायरल हो चुके थे जो सितारा के ऊपर मैं बना रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से उसने मुझे सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट में वो खुद रोई मेरा रोना देखकर, तो मुझे और उससे अटैचमेंट हो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, और सितारा का ऊपर ना, सितारा ने लड़कियां सप्लाई करती थी, सितारा के गंदे पिक, सितारा की नहीं मैरिज झूठी करवाई, सितारा ने ये करवाया, बहुत सारे उसके ऊपर एलिगेशंस लगते गए, और वो सारे एलिगेशंस के अपोजिट में हम वीडियो बनाते थे, हम तीनों भी तो हम उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाते थे, और सितारा को अच्छा लगता था। सितारा ने क्या किया, एक दिन आयन शमी को कॉन्टेक्ट किया, और उसने कहा मैं आपको कुछ प्रूफ सेंड करूंगी, आप तीनों वीडियो बना देना। लेकिन उसने प्रूफ सेंड ही नहीं किए। हमेशा ऐसा होता था, जो हेटर्स बोलते थे वो बाद में सितारा एक्सेप्ट कर लेती थी, और उससे पहले हम वीडियो बना देते थे सितारा के सपोर्ट में, और सितारा हमेशा ऐसे ही करते आ रही है। और हम सच में बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में बोलते थे, वो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, हमें बोलते थे आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोग ज़्यादा अटैच हो रहे हो, और सितारा आप लोगों को उल्लू बना रही है। तो शायद मैं तो क्लियरली नहीं बोल सकती कि एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन जब मेरी आँखें खुली तब हुआ। एक दिन सितारा ने वीडियो बनाते हुए कहा कि मेरे सपोर्ट में और मेरे अगेंस्ट में बिल्कुल भी वीडियो ना बनाए, इनडायरेक्टली बोला था। तो मैंने मेरे चैनल के जितने भी सितारा वाले वीडियो थे वो मैंने उसके थंबनेल चेंज कर दिए, उसका नाम हटा दिया, लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि ट्रस्ट मम्मा आपने मेरा थंबनेल मेरा नाम क्यों हटा दिया। उसके बाद आगे चल के हुआ ऐसा कि कुछ दिनों बाद मैंने फिर से मेरा एक चैनल क्रिएट किया जिसमें मैं रिएक्शन देना चाहती थी, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आती थी कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, और वो एग्जैक्टली रिएक्शन के नीचे ही आती थी, रिएक्शन जब मैं शूट करती थी उसी के नीचे। सेम चैनल था जिस पे मैं व्लॉग भी शेयर कर रही थी, रिएक्शन भी शेयर कर रही थी, शायद लोग मेरे सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, या पता नहीं उनको बराबर रिएक्शन चैनल के नीचे आकर ही मुझे व्लॉग शेयर करो बोलते थे, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि जो मेरा रिएक्शन चैनल है उसको अलग कर लेती हूँ।
और मैंने सोचा था उस टाइम पे, मैं बुरा मान गई थी कि सितारा ने जब कहा उसके ऊपर जो अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं उनको भाई भाई बोलते हुए कहा था कि मेरे बारे में आप कोई वीडियो मत बनाओ, आपस में मत लड़ो, ऐसा बोलकर उसने एक ब्लॉग बनाया था, तभी मैंने सारे थंबनेल टाइटल सब कुछ चेंज कर लिया था। लेकिन उस टाइम सितारा ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि ट्रस्ट मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, किस बात का बुरा लगा, आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया। लेकिन मैं उसने पूछा नहीं और मुझे कोई इतना बुरा भी नहीं लगा। चलो छोड़ो, जाने दो, कुछ लोग होते हैं कि जिनको हम सपोर्ट करते हैं वो हमें नहीं पहचानते बाद में, वैसा ही कुछ हुआ होगा। और मुझे शम्मी और मीनू हमेशा समझाती थी कि ट्रस्ट मम्मा तू अश्विनी तुम फूल बन रही हो, तुम उसको सपोर्ट मत करो, वो हमें बुद्धू बना रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन जब पिक्स वाली बात उठी तो मैंने सोचा इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो पाकिस्तान की लेडीज़ हो या इंडिया की लेडीज़ हो, किसी भी लेडीज़ के इज्जत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेंट्स होते हैं ना वो, उनको बहुत इजी टारगेट होता है किसी भी लेडीज़ के इज्जत के ऊपर बात करना, क्योंकि उनको ये गलत फहमी होती है कि उसकी इज्जत के ऊपर बात करेंगे या उसके कैरेक्टर का हम पोस्टमार्टम करेंगे तो वो लेडीज़ हाथ टेक देगी, हाथ जोड़ देगी, माफ़ी मांग लेगी और पीछे हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर लेडीज़ अपनी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे मर्दों की ये एक क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो लेकिन जब जिसके ऊपर बीतती है ना उसको बहुत बुरा लगता है, अगर वो वैसे नहीं है लेकिन उसको वैसा बोला जा रहा है और सामने वाले उसको प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो जाने दो, छोड़ो पुरानी बातें और जो बुरा लगा है उसको छोड़ कर मुझे उसको और सपोर्ट करना चाहिए और उसके सपोर्ट में बात करनी चाहिए। फिर से यही हुआ, सितारा ने किया क्या, जिसके उसके अगेंस्ट में जो लेडी वीडियो बना रही थी लगातार, उसने एक वीडियो उसके सपोर्ट में क्या बना दी, उसकी वीडियो उस कम्युनिटी पे शेयर कर दी और उससे कंटिन्यू बात भी कर रही थी। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ कि उसकी वीडियो शेयर कर दी, लेकिन जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे उसमें से दो लोग का तुमने नाम लिया, एक तीसरी थी मीनू, उसका नाम भी नहीं लिया। तो बुरा तो अंदर से बहुत कुछ लग रहा था, बहुत कुछ लग रहा था कि तुम्हें सपोर्ट करने वाले इतने कम लोग हैं जो तुम्हारे हर गलती के ऊपर कुछ ना कुछ बात कर वीडियो बना रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुम उनको कभी नहीं पूछ रही हो कि तुम्हारे वीडियोस कहाँ है, तुम्हारे वीडियो नहीं दिख रहे तुम्हारे चैनल पे और मेरे थंबनेल आपने हटा दिए, एक बार भी नहीं पूछा। आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, एक बार भी नहीं पूछा। और जो रिएक्शन बनाते हैं, इसको गालियां देते हैं, इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, उनको भाई बोलती है, भाई बोलना यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसको मैसेज भेजती है पर्सनली कि भाई आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्यों तुझे गालियां सुननी है, वो गालियां देता है हर वीडियो में तुझे, उसको पर्सनल मैसेज कर रही है कि मुझे आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। और बहुत लोग मुझे और अभी भी पूछते हैं कि आप सपोर्ट में वीडियो बनाओ, आप कुछ तो बोलो, सितारा गलत है क्या, आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो सपोर्ट ना करने का मेरा एक स्ट्रांगली रीज़न ये है, मैं फूल बनते आ रही हूँ और मुझे अभी नहीं पता सितारा सच है या झूठी है, उसके जो नेचर है उसके हर पहलू को मैंने देखा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इंडिया के लोग क्या मर गए क्या, इंडिया के लोगों के ऊपर रिएक्शन बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं इंडियन लोग फूल होते हैं, वो ड्रामे ज़्यादा देखते हैं इसलिए वो इमोशनली सितारा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सच में हम इंडियंस होते हैं और हम बहुत इमोशनल फूल होते हैं, हमने इसी इमोशंस के वजह से सितारा को हेल्प की थी। मुझे लगा था वो एक सिंगल पेरेंट है, अगर हम सपोर्ट करेंगे वीडियो बनाएंगे उसकी वीडियो और लोगों की तरफ जाएगी और लोग उसको देखेंगे। हुआ वैसे ही, आज वो 600K की मालकिन बन चुकी है। तो जिसने उसको सपोर्ट किया था उसको उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अगर आगे बढ़ूंगी तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूंगी, तो उसका वादा उसने तोड़ दिया। ना वो हमें हमारी हलचल पूछने आई, ना हमें सपोर्ट करने आई, ना उसने कभी प्रूफ सेंड किए कि ये प्रूफ है और मैं सच्ची हूँ, और हम प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रूफ कब देगी, हम कब वीडियो बनाएंगे। एक इंसिडेंस ऐसा ही हमारे साथ हुआ, जब उसके हस्बैंड आईने में दिखे थे, सारे हेटर्स ने वीडियो बनाया कि हस्बैंड आईने में दिख रहे हैं और ये बोलती हस्बैंड आते ही नहीं घर पे। तो हम ही तीन लोग थे इंडिया से जो बात कर रहे थे कि नहीं नहीं उसके वो भाई भी हो सकते, क्योंकि भाई का ड्रेस और उसके हस्बैंड का ड्रेस सेम होता है हमेशा, क्योंकि वो एक टाइप के ड्रेस पहनते हैं ना पाकिस्तान में, तो वो उस टाइप का ही ड्रेस था कि दोनों सेम है दिखे। हमने वीडियो बना दी, पोस्ट कर दी, लोगों ने देख भी ली और उसके बाद सितारा ने एक्सेप्ट किया हाँ मेरे हस्बैंड थे। क्यों, सितारा ने मेरे वीडियो नहीं देखा था, मेरा और मीनू का शम्मी का वीडियो नहीं देखा था, इसने तो हमें सब्सक्राइब करके रखा है। और फिर भी उसने बाद में बोला कि नहीं नहीं थे, और कितने लोग आकर हमें बोल रहे थे तुम झूठी हो, तुमने तो एक प्रूव कर दिया कि वो भाई भी हो सकता है। मैंने हो भाई होगा भाई है ऐसा नहीं बोला था, हो सकता है बोला था, हो सकता है क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें इन लोगों को नहीं समझ में आती। और कितने सारे लोग हैं जिन लोगों ने
हमारे ऊपर वीडियोस बनाई है पाकिस्तान में भी इंडिया में भी कि हम चमचिया है, हम तीन चमचिया है, तब सितारा ने एक बार भी वीडियो में आकर नहीं बोला कि ये चमचिया नहीं है, ये सच का साथ दे रही है या हमारे लिए वीडियो बना रही है। अगर हमें इतना सुनना पड़ रहा है और हमें कोई जरूरत नहीं ना तुम्हारा सपोर्ट करने की, हम अगेंस्ट में वीडियो बनाएं या सपोर्ट में वीडियो बनाएं, हमें व्यूज वैसे भी आने ही वाले हैं। अगर हम तुम्हारे लिए गालियां खा रहे हैं, तुम्हारे लिए लोग हमें कुछ भी बोल रहे हैं, तो तुम एक लाइन तक अपने वीडियो में नहीं बोल सकती। जो तुम्हारे हेटर्स है उनके वीडियो तुम शेयर करती हो, जो तुम्हारे हेटर्स है उनकी तुम कम पर्सनली मैसेज करते हो, तो हम क्यों सपोर्ट करें? हमें क्या मिल रहा है तुम्हें सपोर्ट करने से? हम इंसान है भाई, ऐसे भगवान तो नहीं है कि हम निस्वार्थ कुछ भी करें। हम निस्वार्थ करने के लिए गए ही थे, लेकिन तुम हेटर्स को अगर ज्यादा वैल्यू देती हो तो हम क्यों सपोर्ट करें, हम क्यों गालियां खाएं? जब हमारे ऊपर वीडियोस बन रही थी तब तुमने क्यों नहीं बोला कि इनके ऊपर वीडियोस ना बनाएं? आज भी कितने सारे लोग नीचे गालियां लिख कर जाते हैं, तुम क्यों नहीं बोलती हो कि वो मेरे सपोर्टर्स है और उनको कुछ मत बोले? अभी इसके लिए बहुत सारे प्रूफ्स हमें मिले हैं कि सितारा बोलती है कि मेरी इनकम कम आती है या ये होता है। सितारा ने जो फ्लैट लिया है, जो जिस घर में रह रही है, वो रेंटेड हाउस नहीं है, वो उसने पैसे देकर खरीद लिया है ऑलरेडी। अभी 39 लाख की कार भी खरीदी है और बोलती है मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारी चीजें जो हेटर्स ला रहे हैं ना ढूंढ ढूंढ के, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हमें लग रही है। और हमें लग रहा था कि एक माँ अकेली है जिसको अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, उसको तीन बच्चों को बड़ा करना है, लेकिन नहीं। मुझे मीनू ने भी बहुत समझाया, मुझे शम्मी ने भी बहुत समझाया, और मेरे और फ्रेंड्स है, सोनाक्षी करके है और नीवी करके है, बहुत सारे फ्रेंड्स है जिन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम फूल बन रही हो। तो अभी इसके आगे मैं डिसाइड करूंगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है बस सितारा को ही देखने के लिए, वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा डिसाइड नहीं है कि मैं सितारा के ऊपर वीडियो बनाऊंगी भी या नहीं बनाऊंगी। बनाऊंगी तो मेरे वीडियो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, क्योंकि उसकी एक्शन देखकर मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी डिसाइड करके वीडियो नहीं बनाती कि मुझे पॉजिटिव वीडियो बनाना है उसके ऊपर। मैं कब मुझे वाइब्स आनी चाहिए उससे कि वो कुछ तो अच्छा कर रही है या वो सच है, मैं सच के बारे में ही वीडियो बनाऊंगी। मैं कुछ भी बनाऊंगी तब भी मुझे व्यूज आने ही वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और बहुत बुरा लगा है लेकिन चलो जल्दी पता चला और बहुत सारे लोग सही साबित हुए। जो भी हेटर्स हमारे लिए वीडियो बना रहे थे और हमें बोल रहे थे एक दिन आप ही वीडियो बनाकर बोलोगे कि हम गलत है, तो हाँ आज मैंने बोल दिया हम गलत थे और गलत है सितारा के मामले में। अब तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप रुकना चाहते हो कि मेरे चैनल पे रिएक्शन वीडियो आएंगी, मेरे चैनल पे मराठी रिएक्शंस भी आएंगी, मेरे चैनल पे हिंदी रिएक्शंस भी आएंगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस वैसे ही जुड़ी है मेरे साथ। अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। आपको मेरा डिसीजन कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करना, और बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना, और आपको अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब करना। बाय।